आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के रेनबो पार्ट टू पोएट्री सेक्शन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बाद वाला पोएम, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके समरी के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन करके कोशिश करेंगे समझने की। इसमें कवि कहना क्या चाहता है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया है किसी चीज़ को, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ये जो पोएम है आपका, जिस राइटर ने लिखा है इस चीज़ को, उनका नाम है W.H. ऑर्डेन। ऑर्डेन साहब ने इस पोएम को बड़ी बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। इस पोएम के थीम की बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे पोएट समझाना चाहता है, वो समझाना ये चाहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसके जन्म और मरण के बीच में क्या क्या निराशाएं को वो महसूस करता है, क्या उसके जीवन में, इंसानी जीवन में, मानव जीवन में निराशाएं निहित होती है, और मरने और जन्म लेने के पहले बीच में जो उसके मन में आकांक्षाएं होती है, जो एस्पिरेशंस होती है, जो पूरा नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, उस चीज़ को इस पोएम के माध्यम से बड़ी ही बेहतरीन ढंग से सजाने की कोशिश किया है कवि ने। इसमें आपको हर चीज़ अच्छे से देखने को मिलेगा। सो चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। आपके पोएम का ये पहला स्टेंजा रहा, चलिए देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर पहले स्टेंजा की बात करें यहाँ पे, तो पहला स्टेंजा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पूरी तरीके से यहाँ पे पेड़ों से मतलब कनेक्ट करके वो लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते बड़ी तेजी के साथ गिर रहे हैं। कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। कह रहा है कि पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, यहाँ पे जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहा है, और नर्सेस फ्लावर यहाँ पे वर्ड आया है। नर्सेस फ्लावर का मतलब आप समझिए कि जो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में, जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो होते हैं, दो पेड़ों के बीच में जो नीचे छोटे छोटे कलियाँ, जो फूल खिले होते हैं, जो छोटे छोटे उगे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। आप नर्सेस फ्लावर को लिख सकते हैं फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री, पंखुड़िया इसको बोलते हैं हम लोग। कह रहा है कि पत्ते बड़ी तेजी से गिर रहे हैं और जो कलियां हैं, पंखुड़ियां हैं, जो दो पेड़ों के बीच में उगी हुई हैं, जो अपना जीवन वहां पे सरवाइव कर रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं यहाँ पे, वो भी अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि पत्ते सब जब गिर जाएंगे तो सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पड़ेगी, और वो उतने तेज़ी से वो अपने आप को, वो उस तेज़ी से जो रोशनी होती है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो होगा क्या, वो भी नहीं बचेंगी, विल नॉट लास्ट। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। ग्रेव मीन्स तो कब्र होता है, आपको पता है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स क्या होता है, इस यहाँ पे आपको बता दूँ, प्रैम्स होता है आपके छोटे छोटे बच्चों के जो चार चक्के वाला जो खिलौना होता है, जो गाड़ी होता है जिससे बच्चे को ढोया जाता है। आप मूवी में देखे होंगे जिसमें आपके क्या बोलते हैं कि विदेशों का सीन दिखाया गया होगा, तो वहाँ पे बच्चे को दिखाया जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को कैरेज में रख देते हैं और शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो कैरेज, चार चक्कों का जो कैरेज होता है जिसमें बच्चे को ले के जाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रैम्स। अब जरा देखिए यहाँ पे कवि
अपने मीनिंग की तरफ आ रहा है, पेड़ों से स्टार्ट किया था और अब यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है। पहला स्टेंजा में, अगर पहला स्टेंजा की पहले दो लाइन्स में बात करें तो यहाँ पे पेड़ों के बारे में डिस्क्राइब्स कर रहा है, पेड़ों के पत्तियों के बारे में डिस्क्राइब्स कर रहा है कि वो किस तरीके से बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है उसको रोकने के लिए, कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पत्ते अब पक चुके हैं। यहाँ से कभी हमें एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से पत्तियाँ ऑटम्स आने के बाद, वो पकने के बाद गिरने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसान वृद्धावस्था आने के बाद, वृद्धावस्था कहने का मतलब बुढ़ापे पे, वो भी धीरे 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 उन पत्तियों की तरह ही गिरने लगता है, इन द सेंस आपका मरने लगता है, ग्रेव की तरफ जाने लगता है। अब जरा यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे कहना चाहता है पोएट कि सर आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाइएगा, जब बुढ़ापे आ जाएगा, जिस तरीके से पत्तियाँ यहाँ पे गिर रही है उसी तरीके से इंसान भी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। तीसरे और चौथे लाइन का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, तो कह रहा है कि बिलव्ड नर्सेस विल गो टू द ग्रेव, कह रहा है कि जिसको आप प्रेम करते हैं भाई, जिसको आप प्रेम करते हैं वो भी कब्र की तरफ जाएगा, चाहे वो आपका कितना भी सच्चा दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि जब वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो वो कब्र की तरफ जाएगा ही। कहा जाता है कि बुढ़ापे में लोगों, कहा जाता है कि एक पैर कब्र में होता है और एक पैर बाहर होता है, तो कब्र की तरफ जाएगा वो, मतलब मृत्यु की तरफ जाएगा। लेकिन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, मतलब लेकिन बच्चे जो है जन्म लेते रहेंगे, बच्चे जो है अपना जन्म लेना नहीं छोड़ेंगे, वो बच्चे जन्म लेते रहेंगे। कभी के पहले स्टेंजा का पूरा मीनिंग अगर बात करें तो कह रहा है कि जिस तरीके से पत्तियां बड़ी तेजी से पतझड़ आने पे वो बुढ़ा ये गिरने लगते हैं तेजी से, और उनके नीचे के वो नीचे का जो फ्लावर पंखुड़ियां होते हैं वो भी आपके उसकी वजह से क्या होने लगते हैं, बच नहीं पाते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसान भी, इंसान की भी अगर वो चीज़ आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज आ जाए, ओल्ड एज आने के बाद इंसान भी मृत्यु की तरफ जाने लगता है, और जो बच्चे हैं वो हमेशा जन्म लेते रहेंगे। इसके बाद वाली स्टेंजा की तरफ आते हैं, तो यहां पे आया है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कह रहा है कि विस्परिंग नेबर्स होता है मौत के सौदागर, आप लिख सकते हैं यहां पे मौत के सौदागर, या फिर मौत जो लेकर आते हैं, मौत का संदेश जो लेकर आते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया विस्परिंग। ऐसे विस्परिंग का अगर मीनिंग, लिटरल मीनिंग देखिएगा तो विस्परिंग में होता है फुसफुसाना और निवर्स में पड़ोसी, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिवली यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा मौत का सौदागर। मौत का सौदागर कह रहा है कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, कह रहा है कि जो हमारे मौत के सौदागर होते हैं, जो मौत के सौदागर होते हैं हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो हम लोग को, हम लोग की तरफ अब बुढ़ापे आने के बाद वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कि कब इसकी जीवन लीला समाप्त हो और हम इसको लेके जाए। प्लक अस फ्रॉम आवर रियल डिलाइट, कह रहा है कि प्लक अस फ्रॉम आवर रियल डिलाइट, यहाँ पे डिलाइट में होता है खुशी, डिलाइट में होता है खुशी, कह रहे वो क्या करते हैं हम लोग को तोड़ लेते हैं, हम लोग को हमारी असली खुशी जो है, वास्तविक खुशी जो है उससे क्या कर लेते हैं,
अलग कर देते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी वास्तविक खुशी क्या है सर? हमारी वास्तविक खुशी क्या है? अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, प्रेमियों के साथ रहना, उनसे वार्तालाप करना, उनके साथ समय बिताना। और यही चीज़ क्या करते हैं, जब बुढ़ापा आता है तो वो हमें क्या करते हैं, हमारे जो वास्तविक खुशी है, मतलब अपने परिवार के साथ रहना, अपने दोस्तों के साथ रहना, इस चीज़ से क्या करते हैं, हम लोग को अलग करते हैं। कैसे? डरा करके, धमका करके, किसी तरीके से। जब बुढ़ापे आते हैं तो वो देखते होंगे कि बूढ़ा इंसान जो होता है अजीब तरह से हरकतें करने लगता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो डराते हमें, धमकाते हैं, और हमें अपने वास्तविक खुशी से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कैसे? हमें मौत की नींद सुला करके। एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, कह रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, कहने का इन द सेंस कि जो हमारे एक्टिव हैंड है, जो आज गर्मियों में बात कर रहे हैं, गर्मियों में जो हमारे आज हाथ, अभी गर्मी का मौसम है, और गर्मी का मौसम क्यों है सर, तो यहाँ पे पत्ते की बात की जा रहा है, पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, तो पतझड़ में गिरते हैं, पतझड़ गर्मी का मौसम ही होता है। कह रहा है कि जब हमारे जो समर के सीजन में जो हमारे आज सही तरीके से हाथ जो काम कर रहे हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। काम नहीं करने का इन द सेंस, आप देखे होंगे कि एक इंसान जब मृत्यु की तरफ जाता है, मतलब मृत्यु की नींद सो जाता है, तो उस समय उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। आप उसको टच करके देखिए, उसको उसका हाथ जो होता है ठंडा पड़ जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो आज हमारे हाथ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इन गर्मियों का मौसम में भी, इन गर्मियों में भी वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठंडे हो पड़ जाते हैं। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और वो हाथ अकेला अपने घुटने पे आ जाता है। आप देखे होंगे कि इंसान जब मृत्यु की तरफ जाता है तो वहाँ पे उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं और हाथ उसके घुटनों तक पहुँच जाते हैं। यही चीज़ कह रहा है कि द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, जो आज हमारे एक्टिव हैंड्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और वो पड़े होते हैं कहाँ पे, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, अकेले कहाँ पे पड़े होते हैं, हमारे घुटनों पे। तीसरा स्टेंजा आपके सामने ही रहा। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, कह रहा है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यहाँ पे कहने का इन द सेंस, डेड यहाँ पे कहने का इन द सेंस कह रहा है कि ठंडे ऋतु में या फिर आपके किसी भी समय में हमसे पहले, एट द बैक, हमसे पहले यहाँ पे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यहाँ पे वुडन का मतलब होता है, वुडन तो लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा ताबूत। वुडन का मतलब होगा यहाँ पे ताबूत। आप देखे होंगे क्रिश्चियन की जो भी इंसान मृतावस्था में जाते हैं तो उनको एक लकड़ी से बने हुए ताबूत में रख करके ले जाके जाया जाता है, और ट्रैक में से होता है रास्ता। कह रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कह रहा है कि हमारे पीछे हमसे पहले बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, सैकड़ों लाश से पड़ी हुई। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और उसी रास्ते को हम लोग को भी क्या करना है, फॉलो करना है। उसी रास्ते को इंसान के वृद्धावस्था आने पे उस चीज़ को क्या करना है, फॉलो करना है, अनुसरण करना है। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जिसको आप फॉलो करके आप बच पाओगे। देर इज नो वे और नो वेयर एल्स फॉर गोइंग
फॉर एनीवन, किसी के लिए कहीं पे जाने की के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बस उसी रास्ते पे जाना है। यहाँ पे ट्रैक का मतलब कहना चाहते हैं, ये ट्रैक का मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि वो रास्ता जिस रास्ते से सारे के सारे लोग, चाहे आप हो या मैं हूँ या फिर कोई और हो, वो सारे के सारे लोग जीवन से मृत्यु तक एक ही रास्ते को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एक ही रास्ते का अनुसरण करते हैं और अंत में एक ही पा जाते हैं। मतलब जीवन जब जन्म लेते हैं तो एक ही जगह से जन्म लेते हैं, माँ के कोख से, और जब मरते हैं तो वहीं पे जाते हैं जहाँ से उनका जन्म होता है। मतलब कि सो जाते हैं, हर लोग मिट्टी में ही मिलते हैं, और चाहे वो अमीर इंसान हो या फिर गरीब इंसान हो। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। अब स्टिफली यहाँ पे वर्ड है, स्टिफली का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कठिन मार्ग, डिफिकल्ट वे। स्टिफली का मतलब आप लिखिएगा कठिन मार्ग। स्टिफली में होता है कठिन मार्ग, आर्म्स में आप जानते हैं, और रिप्रूव में होता है आप दोबारा साबित करना, रिप्रूव में होता है दोबारा साबित करना। अब कहना क्या चाहता है यहाँ पे, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे, जैसे कब्र में जब जाते हैं तो कब्र जैसे लगता है कि खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तरह का एक मेंबर उसके फैमिली में, उसके परिवार में शामिल हो जाता है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, आपको फिर से दोबारा वापस ये साबित करने के लिए वो चीज़ करते हैं, हाथ खड़े करते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और इसका दूसरा सिरा, दूसरा वो मकसद, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पे वो, उनका कहना है, पोएट का कहना है यहाँ पे, कवि कहना चाहता है कि ये बड़ा गलत चीज़ है जो ईश्वर ने हम लोग को एक बार जन्म दिया और उस चीज़ को फिर वापस दोबारा क्या कर लेते हैं, हम लोग को वापस क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। मतलब हमें अपने वास्तविक खुशी अपने दोस्तों, संगे संबंधियों, प्रेमियों के से मिलने से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये उनका झूठा प्रेम है, ये फलसफा नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने आप को साबित करना चाहते हैं पोएट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि भगवान जो है, जो ईश्वर है, जो हम लोग को क्या कर रहे हैं, एक बार तो जन्म दे रहे हैं और फिर उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ रीडर को एहसास दिलाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि दैट इज फेट दैट वेट्स ऑल ऑफ अस। कोई ना कोई तो वहाँ पे है जो कब्र है हमारा इंतज़ार करता है। लास्ट में आप चल रहे होते तो भी कब्र आपका इंतज़ार कर रहा होता कि कब इसकी समय आएगी जब हमारे परिवार में ये शामिल होगा। और यहाँ पे भगवान को गलत साबित कर रहे हैं कवि, कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई, एक बार जन्म दिए आप और दूसरी बार उस चीज़ को फिर वापस ले रहे हो, ये गलत है। मतलब तीसरे स्टेंजा की अगर बात करें तो तीसरे स्टेंजा में कवि ने मृत्यु की तरफ, मृत्यु का इशारा किया है, मृत्यु के बारे में बात किया है कि हमसे पहले भी बहुत लोग मरे पड़े हैं,
और सारे के सारे लोग उसी लकड़ी के ताबूत में वहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, और उसी ताबूत में हम लोग को भी उसी रास्ते पे जाना है। लकड़ी के ताबूत में बंद हो करके हमें उसी रास्ते पे जाना है। कोई सारे के सारे लोगों के लिए एक ही रास्ता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का सेम रास्ता हर कोई एक ही तरह से क्या करता है, फॉलो करता है, एक ही तरह से क्या करता है, फॉलो करता है। और यहाँ पे जो भगवान है, जो ईश्वर है, कह रहे हैं पे कि जो भगवान है वो एक बार तो जन्म देते हैं, एक बार लोगों से मिलाते हैं, और लोगों से मिला करके क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग को उनसे ही अलग कर देते हैं। जब उनसे हम लोग का दिल लग जाता है तो उससे हम लोग को अलग कर देते हैं। ये प्यार का झूठा फलसफा है। इसके बाद वाला स्टेंजा की तरफ अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त भय दिखाया, अंधकार को दिखाया गया है, भय दिखाया जाएगा इसमें थोड़ा सा। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, स्टार्विंग जिस होता है आप बात करें तो भूखमरी होती है। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डंप एंड द एंजल विल नॉट कम। कह रहा है स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, कह रहा है कि जिस तरीके से जंगलों में जो पर्ण विहीन पत्ते के बिना जो जंगल होते हैं, वहाँ पे भूख, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके नीचे या फिर वो पेड़ है, वो भूख से तड़पने लगता है। अब जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो भोजन कैसे बनेगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो उसको भोजन मिलेगी कहाँ से, और जब भोजन नहीं मिलेगी वो प्लांट्स को तो जीवित कैसे रहेगा। तो कह रहे हैं कि भूख से सब लोग, क्या यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भूख से सब लोग तड़प रहे हैं। ये जंगल, इस संसार को जंगल बताया है और इसमें भूख से क्या हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, ट्रॉल्स में होता है यहाँ पे दुष्ट आत्माएं। अगर आपके बुक की देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी के कुछ क्रिएचर्स के बारे में दिया गया है। सो ट्रॉल्स का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि दुष्ट दैत्य, बुरी आत्माएं, उसको समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि ये जो ट्रॉल्स हैं रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर, अपने भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। स्कॉल्डिंग में से ऐसे होता है डांटना, लिटरल मीनिंग, लेकिन यहाँ पे होगा भटकना। कह रहे हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं अपने भोजन के लिए क्या हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा पोएट बहुत ज़बरदस्त मीनिंग क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे पावरफुल मीनिंग क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे अंधकार के बारे में बात किए हुए हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डंप, और यहाँ पे जो नाइटिंगेल हो जाती है, जब भोजन नहीं मिलेगी, शांत हो जाएगी, तो यहाँ पूरा तरीके से भोजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, लोग एनर्जी बचाना शुरू करेंगे। अब बचाने के क्रम में इस उम्मीद से कि थोड़ा दिन तक और वो चीज़ सरवाइव कर सके, तो उसके क्रम में क्या होगा, नाइटिंगल भी जो बुलबुल चहचहाती थी वो भी अब धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर देगी। डंग डम मिस कुंग होता है, लेकिन यहाँ पे कम बोलना होगा, यहाँ पे कम बोलना शुरू करेगी, डम उसी के लिए यूज किया गया यहाँ पे। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी आपका एंजल आने वाली नहीं है, एंजल विल नॉट कम। अब जरा इसका मतलब पूरा मीनिंग का समझिए, यहाँ पे जो पोएट है वो डार्कनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, अंधकार की तरफ, और इस तरीके से अंधकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रिएचर्स है, जितने भी प्राणी है, जितने भी जीवित प्राणी है, वो ये गूंगा हो जाती है, बोल नहीं पाती है, इतना भूख ज़्यादा लग गई होती है, भूख से सब लोग तड़प रहे होते हैं, और यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ से आपको भोजन मिल सके, क्योंकि पर्णविहीन हो चुका है यहाँ पे जंगल जो है, पत्र पर्णविहीन मतलब पत्ता रहित हो चुका है।
यहाँ पे जो है पोएट जो है वो अंधकार की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस स्टेंजा की बात करें, इस पोएम का ये हार्ट कहेंगे इसको, हार्ट जो मेन चीज़ होता है ना, यही है, यही स्टेंजा आपका फोर्थ स्टेंजा। लास्ट लाइन की बात करें, एंड द एंजल विल नॉट कम, यहाँ पे कह रहा है पोएट, कहने का कोशिश कर रहा है रीडर से, आप लोग से कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा, आप जो जैसा सोच रहे हो कि लास्ट स्टेज में जब सब कुछ ख़त्म होने लगता है तो हमें भगवान की याद आती है या फिर किसी और चीज़ की याद आती है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रकाश आने वाला नहीं है। एंजल मिस होता है आपका, आपको जानते हैं एंजल मिस क्या होता है, ये देवदूत होता है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई प्रकाश आने वाला नहीं है जो आपको इस अंधकार से निकाले, कोई एंजल नहीं आने वाली है जो आपको इस से निकाले। सारा का सारा चीज़ डरावना हो चुका है, सारे लोग मर रहे हैं, सारे लोग तड़प रहे हैं। यहाँ पे अगर इसके बाद वाले स्टेंजा की तरफ चलेंगे तो ये है आपका इस पोएट पोयम का लास्ट स्टेंजा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लॉनली हेट, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेट। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ठंडी है, ठंडी के मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो ठंडा ठंडा होता है यहाँ पे, ठंड इतनी पड़ रही है, ठंड इतनी पड़ रही है कि इसमें जीना जो हो गया दुश्वार हो चुका है। जीना दुश्वार कहने का मतलब कि इसमें इंसान जी नहीं पा रहा है, इंसान इसमें जी नहीं पा रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये चीज़ समाप्त भी होगा, मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है, असंभव सा लग रहा है कि ये समाप्त भी होगा। लिस्ट द माउंटेन्स लॉनली हेड, कह रहा है कि जो पर्वतों के ऊपर, सब पर्वतों के ऊपर सबसे ऊपर चोटी, अकेले चोटी पे जो लवली हेड होता है, जो सबसे सुंदर, पर्वतों का चोटी बहुत सुंदर लगता है, आप देखिएगा कभी तो पर्वतों की जो चोटी होता है बहुत सुंदर लगता है। और कह रहा है वहाँ पे जो ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है मेरे दोस्त, कि यहाँ पे जीना मुश्किल सा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ठंडा समाप्त होने वाली है। इसका कहने का मतलब यह क्या है, इसमें क्या कहना चाहता है पोएट, वो देखेंगे, पहले इसका लाइनिंग का मतलब समझ जाएं। हुज़ वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसकी जो वाइट वाटरफॉल होती है, आप देखेंगे जब पर्वतों से जब झरने नीचे की तरफ गिरते हैं, जो झरने नीचे की तरफ देखते हैं, तो उसको अगर कैप्चर करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पे वाइट कलर का आता है। मूवी में देखे होंगे कि बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पर्वतों से जब पानी की बूंदें जब गिरती हैं, और जो ओस की बूंदें गिरती हैं, वो उजले वाटरफॉल की तरह दिखती हैं, वाइट कलर का दिखती हैं। कहने जिसकी वाइट वाटरफॉल से जैसा ऐसा लग उम्मीद लगता है कि उसकी जो ये झरने की जो पानी है जो वाइट कलर का है, ये ब्लेस कर सकता है, हमें आशीर्वाद दे सकता है, हमें बचा सकता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रैवलर्स यहाँ पे उन सारे लोगों को किया गया है जो मौत की तरफ जा रहे हैं, और लास्ट डिस्ट्रेस में होता है, आप लिख लीजिए इसको, लास्ट डिस्ट्रेस में होता है जीवन का अंतिम समय। जीवन का अंतिम समय कह रहे हैं यहाँ पे कि जीवन के अंतिम समय में हम लोगों को, ट्रेवलर्स को, सब लोग को बोल रहा है जो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को ये जो व्हाइट वाटरफॉल है यही बचा सकती हैं।
यही बचा सकती है। इसका मतलब आप सेंस समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरे का पूरे स्टेंजा का मतलब समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि कोई अब दूसरा रास्ता नहीं बचा है, देर इज़ नो वे टू गेट टू देम, वहाँ पे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अब कोई भी रास्ता है ही नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एक भूमि भी नहीं है जहाँ पे इंसान या फिर गैर इंसान, कहने का मतलब कोई भी जानवर पहुँच सके, जहाँ पे जो ऐसा जगह लगे महफूज लगे वहाँ पे बच सके। दे आर ऑफ द पाथ, वो रास्ते से अब दूर हो चुके हैं। अ लैंड दैट नो ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस, एक जगह, एक ऐसा जगह जहाँ पे इंसान या फिर गैर इंसान, नॉन ह्यूमंस दोनों पहुँच सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है आपके पास, एक रास्ता है, वो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, बच सकते हैं, और वो है आप सपनों के थ्रू, सपनों के द्वारा आप सपने में वहाँ पे बच सकते हैं, लेकिन इन ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ यू कांट गेट अवे ऑफ द पाथ। आप जिस मौत की तरफ जा रहे हैं उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, ये जो आपका जो है ना सपने के थ्रू आप वहाँ से बच सकते हैं, यही कह रहे हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड प्लेस, जिसकी जो पर्वतों से गिर रही है, पर्वतों से जो गिर रही है झरने पानी, वो आपको बचा सकती है उसकी प्यास को बुझा करके। वो इसी चीज़ को बोला है यहाँ पे सपना, सपना को डिनोट किया है यहाँ पे। मतलब कहने का इन द सेंस लास्ट स्टेंजा का कि लिटरल मीनिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कवि कहना चाहता है कि अब समय ऐसा आ चुका है, ठंड के समय में ऐसा समय आ चुका है कि ठंडा इतना ज़्यादा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि ये ठंडा ख़त्म होगा। माउंटेंस, पर्वतों के जो शिखर पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वो चीज़ ख़त्म होगा। हाँ, क्या कर सकता है, उसका जो वाइट वाटरफॉल है, उसके जो ऊपर से जो वाइट वाटरफॉल गिर रहे हैं वो हमें बचा सकते हैं। कैसे, इंसानों को यात्री के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, तो यात्री को अगर प्यास बुझ जाए, प्यास उसकी बुझ जाए, तो वो बच सकता है, अंतिम क्षणों में बच सकता है। सो ये रहा आपके चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।